हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के बारे में उनके लिखे नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव के प्लॉट और इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स तो चलिए सबसे पहले जानते हैं थॉमस हार्डी के बारे में थॉमस हार्डी की लिटरेरी लाइफ डिस्कशन में पेसिमिज्म वर्ड काफ़ी प्रिवलेंट है पीपल यूज टू कॉल हिम पेसिमिस्ट बिकॉज ही रॉट अबाउट ट्रेजिडीज मगर ये पूरी तरह से सही नहीं है हार्डी वोज अ पोइट बाई हार्ट और नॉवल्स हार्डी ने सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए ही लिखे थे क्योंकि पोइम्स से, से ज़्यादा अर्निंग नहीं हो सकती थी by profession hardy architect the, but writing was the actual passion he tried his hand in drama as well but fame in a novel or poetry nahi dilaya. thomas hardy was an english novelist and poet a victorian realist in the tradition of george eliot he was influenced both in his novels and in his poetry by romanticism especially by william wordsworth thomas hardy was born on 2nd of june 1840 in upper bockhampton england he really contributed a lot towards the making of victorian literature

अशेकन इफ नॉट कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमस एंड गॉड इसके अलावा पेसिमिज़म बट हार्डी पेसिमिज़म की जगह मेलेरिज्म टर्म को प्रेफर करते थे मेलेरिज्म इज़ द बिलीफ दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट मतलब कि नेगेटिविटी पेन सफरिंग को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो इनको चेंज करने के लिए एफर्ट कर पाएंगे इसलिए हार्डी पेसिमिज़म की जगह मेलेरिज्म टर्म को अपने वर्कस के लिए प्रेफ़र करते थे बात करें रिलेशनशिप्स की तो हार्डी ने एमा गिफोर्ड से शादी की एट फर्स्ट हार्डी सीम्ड टू हैव अ हैप्पी मैरिज बट दे ड्रिफ्टेड सीरियसली अपार्ट दे हैड नो चिल्ड्रन एमा गिफोर्ड डाइड इन 1912 एंड हार्डी मोंड हर फॉर एवर इट सीम्स द एमा पोएम्स आर अमंग हिज फाइनेस्ट पोएम्स 1914 में हार्डी ने अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस डगडेल से शादी की फ्लोरेंस हार्डी से 39 नाइन ईयर्स यंगर थी हार्डी डाइड इन 1928 हार्डी की फिलॉसफी थी कि लाइफ में पेन परमानेंट है और हैप्पीनेस एपिसोडिक है बट एज ह्यूमन बींग हमें पेन से सफ़र करते हुए हैप्पीनेस को चेज करते रहना चाहिए चांस एंड फेड भी हार्डी के नॉवल्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के नॉवल में भी आप चांस एंड फेट को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखेंगे हार्डी के मेजर वर्क्स में अंडर द ग्रीन वुड ट्री पेयर ऑफ ब्लू आइज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड द रिटर्न ऑफ द नेटिव द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज टेस्ट ऑफ दी डी अर्बरवेल्स जूड दी ऑब्सक्योर हैं हार्डी के नॉवल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें फर्स्ट है नॉवल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरमेंट सेकेंड रोमांस एंड फैंटेसिज थर्ड नॉवल्स ऑफ इंजेन्यूटी हार्डी की लिटरेरी लाइफ को भी तीन फेज़ेज में डिवाइड किया जा सकता है फर्स्ट फेज इज़ फ्राम एटीन फोर्टी टू एटीन सेवेंटी जिसमें है चाइल्डहुड अप्रेंटिसशिप इन आर्किटेक्चर फर्स्ट मैरिज अनपब्बलिश्ड नावल्स एंड अर्ली पोएम्स नथिंग ग्रेट Second phase 1871 to 1897. This phase witnessed intensive writings and resulted in the publication of fourteen novels and a good number of short stories. Third phase is from 1898 to 1928. In this phase, Hardy achieved name and fame and criticism for his novels. जिसके बाद हार्डी ने पोइटरी लिखना शुरू किया और थाउजेंड के करीब पोइंट्स लिखीं। अब बात करते हैं हमारे आज के नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी का सिक्स नॉवल था इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द मैगजीन बेलग्राविया एंड वॉज प्रेजेंटेड इन ट्वेल्व मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर एटीन नेक्स्ट बात करते हैं नॉवल की सेटिंग की एक्डन हीथ इज द फिकटिशियस नेम गिवन बाय हार्डी टू शेडलैंड हीथ व्हिच इज़ एन एरिया ऑफ मोरलैंड बिटवीन डॉर्चेस्टर एंड डॉर्सेट इन इंग्लैंड नॉवल की ओपनिंग में एग्डन हीथ को ही डिस्क्राइब किया गया है चलिए अब फाइनली जानते हैं इस नावल के प्लॉट के बारे में द नावल ओपन इन द मिडिल ऑफ सिचुएशन मतलब कहानी में पहले से ही काफ़ी कुछ चल रहा है इसमें सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होते हैं डिगोरी वैन से हु इज राइडिंग हिज वैन एंड इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एग्डन हीथ वैन में पीछे की सीट पर थॉमसिन योब्राइट बैठी है जिसकी मैरिज वाइल्ड से आज ही के दिन होनी थी बट मैरिज लाइसेंस में एरर होने की वजह से नहीं हो पाई थॉमसिन अकेले ही चर्च से वापस आ रही थी कि उसे डिगोरी वैन मिला थॉमसिन ने चर्च में हुए इंसिडेंट को डिगोरी से शेयर किया और ये बताकर वो बेहोश हो गई डिगोरी पुट हर इन हिज वैगन दरअसल बात यह है कि डिगोरी वैन थॉमसिन को पसंद करता है दो साल पहले डिगोरी ने थॉमसिन को प्रपोज भी किया था बट थॉमसिन ने इस प्रपोजल को पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया था इसके बाद डिगोरी ने डेयरी मैन का प्रोफेशन क्विट किया और रेडलमैन बन गया हु सोल्ड रेडल चौक टू द फार्मर्स फॉर रेडिंग दियर शीप जब डिगोरी को पता लगता है कि थॉमस एंड वाइल्डीव को पसंद करती है तो डिगोरी उसकी मैरिज वाइल्ड से कराने में बहुत हेल्प करता है मगर दिल है कि मानता नहीं शॉफ तो ऐसे के सपोर्टिव है बट थॉमसिन एंड वाइल्डीव की मैरिज लाइसेंस में एरर के पीछे डिगोरी ही था कैर अबी के लिए तो थॉमसिन डिगोरी की वैन में बैठी है रास्ते में डिगोरी को मिसेज योब्राइट मिलती हैं वो थॉमसिन एंड वाइल्डीव की वेडिंग अटेंड करने ही जा रही थी थॉमसिन मिसेज योब्राइट की नीस है डिगोरी उन्हें सारी बात बताता है कि वेडिंग नहीं हुई तो वाइल्ड अपने घर चला गया है और थॉमसिन उसकी वैन में है इसी के साथ वो मिसेज जोब्राइट से थॉमसिन से खुद की मैरिज के लिए भी बात करता है डिगोरी वाइल्ड की कैप्टन वाई की ग्रैंड डॉटर यूस्टेशिया से सीक्रेट मीटिंग्स का भी बताता है कैप्टन वाई और उन... उनकी ग्रैंड डॉटर यूस्टेशिया मिस्टोवर्ड नैप में रहते हैं यूस्टेशिया काफ़ी इंटेलिजेंट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल है इस वजह से विलेज में काफ़ी फेमस है बट देर आर मैनी वीमेन इन दैट एरिया हु थिंक दैट शी इज अ विच एंड एक्सरसाइजेज ग्रेट पावर ओवर मैन फॉक डिगोरी के थॉमसिन से शादी के प्रपोजल पर मिसेज ज्योब्राइट सोचने का टाइम मांगती हैं फिर मिसिस ज्योब्राइट थॉमसिन जो अब होश में आ चुकी थी इसको लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं अब मिसिज ज्योब्राइट वाइल्ड से मिलती हैं और उसको बोलती हैं कि अगर वो वाकई थॉमसिन से शादी करना चाहता है तो जल्दी करे अदरवाइज उनके पास थॉमसिन के लिए एक और प्रपोजल है थॉमसिन की हेल्प करने के लिए डिगोरी यूस्टेशिया से मिलने जाता है डिगोरी यूस्टेशिया को कहता है वाइल्ड को थॉमसिन से मैरिज के लिए मनाने का यूस्टेशर डिगोरी की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है साथ ही ये भी कहती है कि वो चाहे तो ईजिल वाइल्ड से थॉमस की शादी करवा सकती है लेकिन वो एक ऐसी वुमन के लिए एफर्ट क्यों लगाए जो किसी भी लिहाज से उसके इक्वल नहीं है यूस्टेशर कहती है कि उसे वाइल्ड की भी कोई परवाह नहीं है वो जैसे चाहे अपनी लाइफ में कर सकता है वाइल्ड उसको पसंद करता है तो इसमें वो क्या करें यूस्टेश डिगोरी को बताती है कि वो यहाँ एग्डन हीथ में रहना ही नहीं चाहती एंड वुड लाइक टू गो अवे फ्राम देयर इफ़ शी हैड एनी चांस ये सुनकर डिगोरी वहाँ से निकल पड़ता है द सेम इवनिंग वाइल्ड वेंट टू मिस नैप टू मीट यूस्टेशिया एंड ऑफर्ड टू टेक हर टू अमेरिका वाइल्ड यूस्टेशिया को जल्दी से डिसाइड करने को कहता है क्योंकि वाइल्ड को भी मिसेज योब्राइट को जवाब देना था ये बात वाइल्ड यूस्टेशिया को भी बता देता है अभी पहले क्या कहा यूस्टेशिया ने कि वो एग्डन हीट से जाना चाहती है लेकिन अब जब सामने से ऑफर मिल रहा है तो वो इस प्रपोजल पर सोचने के लिए एक वीक का टाइम वाइल्ड से मांगती है मगर एक हफ्ते के बाद वो वाइल्ड के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है इसके पीछे रीज़न वो ये कहती है कि जिससे थॉमसिन जैसी लड़की भी रिजेक्ट कर सकती है उसे यूस्टेशिया तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये तो बस खैर बोलने वाली बात थी असल में यूस्टेशिया वाइल्ड को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी उसी दिन कैप्टन वाई यूस्टेशिया से मिसेज यो के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस साल मिसेस जो का बेटा क्लाइम भी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए पेरिस से एक्डनहित आ रहा है दिस ग्रेटली एक्साइटेड यूस्टेशस क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू कमर शी हाउ एवर डिसाइड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू कमर ऑन हर ऑन एंड बुक वन यहाँ खत्म होती है द सेकेंड बुक बिगनस विद हमफ्री एंड सैम हु हैड बीन कॉल्ड बाई कैप्टन वाई टू ब्रिंग फर्स्ट फैगर्ट्स एंड बिल्ड स्टैक फॉर हिम कैप्टन सैम और हम्फ्री को क्लाइम के बारे में बात करते हुए यूस्टेशिया सुनती है उसे इन तीनों के कॉन्वर्सेशन से पता लगता है कि क्लाइम पेरिस में एक डायमंड मर्चेंट का मैनेजर है और इस बार वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आएगा कैप्टन बाय कहते हैं दैट क्लाइम एंड यूस्टेशिया वुड मेक एन एक्सीलेंट कपल एज बोथ फॉर हाईली एजुकेटेड एंड टॉक्ड ऑन हाई सब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़ ये सब सुनकर तो यूस्टेशिया की एक्साइटमेंट क्लाइम को देखने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है वहीं दूसरी तरफ मिसेस योब्राइट और थॉमसिन भी क्लाइम के वेलकम की प्रेपरेशंस में लगी हुई थीं थॉमसिन मिसेस योब्राइट को कहती हैं कि वो क्लाइम से थॉमसिन के मैरिज मिस ऐप के बारे में बात ना करें देन दे वेंट टू रिसीव क्लाइम यूस्टेशिया को भी क्लाइम को देखना था तो वो उस रास्ते में कुछ इस तरह से जाकर खड़ी होती है कि सिर्फ वही क्लाइम को देख सके सोन शी हर्ड द साउंड ऑफ टू वेमेन एंड वन मैन कमिंग ऑन द रोड क्लाइमिसेज योब्राइट और थॉमस इन यूस्टेशिया के एकदम सामने से गुजरते हैं क्लाइम यूस्टेशिया को देख लेता है और उसे गुड इवनिंग विश करता है लेकिन यूस्टेशिया क्लाइम को देखकर इतनी फैसिनेटेड हो जाती है कि कुछ जवाब नहीं दे पाती यहाँ तक कि वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच में उसने क्लाइम को देखा भी है या नहीं यूस्टेशिया डिसाइड करती है क्लाइम को क्लोजली देखने का सो इट सो हैपन दैट सम ऑफ द रस्टिक्स डिसाइडेड टू स्टेज अमरी शो एट मिसेज यो हाउस ऑन द इवनिंग ऑफ ट्वेंटी थर्ड अ डे बिफोर क्रिसमस टू सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन क्लाइम्स अराइवल इस शो में टर्किर्किर्किर्किर्किर्किश नाइट का रोल चार्ली प्ले करने वाला था चार्ली भी यूस्टेशिया को सेंटिमेंटली अडोर करता है जब यूस्टेशिया चार्ली को कहती है कि वो उसे फाइव शिलिंग्स देगी अगर चार्ली शो में उसे टर्किश नाइट का रोल प्ले करने देगा तो बट चार्ली ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता बदले में वो ये कंडीशन रखता है कि इस रोल के बदले यूस्टेशिया का हैंड वो प्ले के दौरान फिफ्टीन मिनट्स तक होल्ड करेगा यूस्टेशिया मान जाती है सेंट जॉर्ज पर बेस्ड इस प्ले के रिहर्सल के बाद इसे फाइनली मिसिस योब्राइट के घर में परफॉर्म किया जाता है एट द एंड ऑफ द शो यूस्टेशिया हैड अ गुड लुक एट मिसेज योब्राइट्स हाउस एंड ऑल्सो एट क्लाइम्स फेस यूस्टेशिया क्लाइम से बात भी करती है जिस पर एग्डन हीथ के सभी लड़कों का क्रश है अब उसका क्रश क्लाइम है यूस्टेशिया का इरादा पूरी तरह बदल गया था वो अब दिल से चाहती थी कि थॉमसिन से ही वाइल्ड की मैरिज हो इसलिए वो डिगोरी को लेटर लिख देती है वाइल्ड को देने के लिए जिसमें वो लिखती है दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन और वो थॉमसिन से शादी कर ले डिगोरी ये लेटर वाल्डिव को दे देता है वाल्डिव लेटर पढ़ने के बाद डिसाइड करता है कि वो थॉमसिन से मिलकर उसे फिर से प्रपोज करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मिसेस ज्योब्राइट डिगोरी से थॉमसिन की मैरिज करवा देंगी जब वाइल्ड लाइफ थामसिन से मिलने जाता है उस टाइम क्लाइम अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था लेकिन क्लाइम को वहीं से थॉमसिन के मैरिज फेलियर के बारे में पता लग जाता है इस पर वो अपनी मदर मिसेस योब्राइड को लेटर लिखता है कि वाई शी हैड नॉट इन्फॉर्मड हिम अबाउट इट एंड दैट इट वॉज अ ग्रेट डिस्ग्रेस टू द फैमिली और अब वो जल्दी ही वापस आ रहा है मगर थॉमसिन क्लाइम के वापस आने से पहले ही वाइल्ड लाइफ से मैरिज का प्लान बनाती है उसे डर था कि क्लाइम आ गया तो वाइल्ड लाइफ से उसकी मैरिज शायद नहीं हो पाए थॉमसिन अपनी आंट मिसिज यूब्राइट को भी रिक्वेस्ट करती है उसकी वेडिंग अटेंड नहीं करने के लिए और घर पर ही रुकने के लिए मिसेज योब्राइट थॉमसिन की बात मान जाती हैं जब क्लाइम घर आता है और देखता है कि आज थॉमसिन का वेडिंग डे है और उसकी मदर वेडिंग अटेंड नहीं कर रही हैं सो ही प्रिपेयर टू गो हिमसेल्फ टू गिव अवे थॉमसिन इन मैरिज बट जब वो चर्च पहुंचता है तब तक मैरिज हो चुकी थी मगर फिर भी क्लाइम थॉमसिन से नाराज़ नहीं था इसी के साथ बुक सेकंड ख़त्म होती है थर्ड बुक रिवील्स क्लाइम्स आइडलिज्म एज द ट्रू सन ऑफ एक्डन ही फाउंड द लाइफ इन पेरिस टू बी द आइडलिस्ट, वेनेस्ट एंड द मोस्ट इफेमिनेट बिज़नेस डैट एवर अ मैन कुड बी पुट टू एंड ही नाव विस्ड टू फॉलो सम प्रैक्टिकल एंड फ्रूटफुल करियर इन हिज लाइफ वो एग्डन हित में रहकर एक स्कूल ओपन करना चाहता है और बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो कहता है कि स्कूल ओपन करने से पहले वो खुद खूब पढ़ाई करेगा जिससे वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सके और गाइड कर सके अपने इस प्लान के बारे में क्लाइम अपनी मदर मिसेज यूब्रैट को बताता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं उसी इवनिंग को क्लाइम कैप्टन वाई से मिलता है इसके बाद यूस्टेशिया से भी उसकी बात होती है क्लाइम यूस्टेशिया से पूछता है कि वेदर शी इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ द हीथ यूस्टेशिया नाम में जवाब देती है और क्लाइम को बताती है कि उसे पेरिस के लोगों की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो पेरिस जाना चाहती है बट क्लाइम यूस्टेशिया को कहता है कि ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है वहाँ पर उसके लिए तो हीत रहने के लिए बहुत ही बेटर प्लेस है और वो अपनी बाकी की लाइफ यहीं पर ही बिताना चाहता है क्लाइम घर जाकर अपनी मदर मिसिज जोब्राइट को बताता है कि वो आज कैप्टन वाई के घर गया था ये सुनकर मिसिज जोब्राइट वाज नेचुरली मच ट्रबल्ड वो समझ गई थी कि क्लाइम वहाँ क्यों गया था वो क्लाइम को बोलती हैं कि जब उसे पेरिस की अट्रैक्टिव एंड फैशनेबल लेडीज़ में से ही कोई पसंद नहीं आई तो उसे यूस्टेशिया कैसे पसंद आ गई ज़रूर यूस्टेशिया ने ही कोई काला जादू किया होगा और ये जो प्लान है ना हीथ में रहकर स्कूल स्टार्ट करने का ये कुछ नहीं है बस यूस्टेशिया के लिए यहाँ रहने का बहाना भर है क्लाइम अपनी मदर की बातों पर गौर नहीं करता और डेली यूस्टेशिया से मिलने लगता है लेकिन मिसेज ज्योब्राइट ने तो साफ मना कर दिया था इन दोनों की मैरिज को अप्रूव करने से तो क्लाइम ने भी अपनी मदर से कह दिया था कि वो शादी तो सिर्फ यूस्टेशिया से ही करेगा खैर माँ तो माँ होती है क्लाइम की जिद के आगे मिसेस जोब्राइट मान जाती हैं क्लाइम अपनी मदर की बातों को इग्नोर कर रहा था लेकिन मिसेस जोब्राइट यूं ही मना नहीं कर रही थी इस मैरिज के लिए वो जानती थी कि क्लाइम और यूस्टेशिया के नेचर एंड थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये डिफरेंस मैरिज को फेलियर की तरफ ही ले जाते हैं और पर्सनल लाइफ के अलावा यहाँ तो क्लाइम का करियर भी खत्म हो रहा था इस वजह से भी मिसिज जोब्राइट बहुत ज़्यादा दुखी थी मगर क्लाइम तो मान ही नहीं रहा था वो अपने और यूस्टेशिया के रहने के लिए अलग घर ढूंढता है ताकि मैरिज के बाद वो दोनों वहाँ रह सकें अलग रहने के बाद का जब मिसेज यूब्रेट को पता लगता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है ऐसे में थॉमसिन उनसे मिलने आती हैं और मिसेज योब्रेट की हालत में कुछ सुधार आता है आफ्टर सम टाइम थॉमसिन सेट दैट शी नीडेड सम मनी क्योंकि उसका हस्बैंड वाइल्ड उसे कुछ भी खर्च नहीं देता इस पर मिसिस जोब्राइट थॉमसिन को बताती हैं कि उनके पास हंड्रेड गिनीस हैं और अब उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती इसलिए वो जल्दी ही ये गिनीस थॉमसिन एंड क्लाइम में इक्वली डिवाइड कर देंगी क्लाइम्स वेडिंग डे केम बट मिसेज जोब्राइट वॉज सिटिंग एट हर होम वेरी मच अनहैप्पी वाइल्ड लाइफ मिसेज ज्योब्राइट से मिलने आता है और कहता है कि थॉमसिन को शायद वो कुछ देना चाहती थी लेकिन मिसेज जोब्राइट वाइल्ड पर अब भरोसा नहीं कर सकती थी तो वो बात को टाल देती हैं फिर मिसिस जोब्राइट क्रिश्चियन कैंडल नाम के लड़के को गिनीज़ के दो बैग देती हैं एक बैग थॉमसिन और एक बैग क्लाइम को देने के लिए क्रिश्चियन क्लाइम को तो बैग दे आता है लेकिन जब वो थॉमसिन के घर की तरफ जाता है तो उसे वाइल्ड लाइफ मिलता है और वो क्रिश्चियन को बातों में उलझा कर उसे मिसेज योब्रैड की दी हुई गिनीस से गैम्बलिंग के लिए मना लेता है और गैम्बलिंग में क्रिश्चियन सब गिनीज हार जाता है लेकिन वाइल्ड लाइफ उसे कंसोल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं वैसे भी उसने ये सब देना तो थॉमसिन को ही था तो थॉमसिन तो उसकी वाइफ है इसीलिए इनडायरेक्टली ये सब थॉमसिन के पास ही जा रहा है क्रिश्चियन वाल्डिव की चालाकी को समझ नहीं पाता और वाल्डिव पर बिलीव कर लेता है वो ये सारी बात मिसिज जो को जाकर बता देता है लेकिन डिगोरी वैन द रेडल मैन ये सब देख लेता है क्रिश्चियन के जाने के बाद वो वाल्डिव के पास जाता है एंड ही नाउ इन्वाइटेड वाल्डिव टू गैम्बल विद हिम अल्टीमेटली वाल्डिव लॉस्ट ऑल द गिनीज़ विच ही हैड वन फ्रॉम द बॉय अगले दिन टिगोरी क्लाइम एंड यूस्टेशिया की मैरिज अटेंड करने जाता है और थॉमसिन को गिनीज वाला बैग दे देता है थॉमसिन बहुत खुश होती है इतनी बड़ी अमाउंट को देख कर फोर्थ बुक की स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि क्लाइम और यूस्टेशिया की मैरिज को कुछ हफ्ते हो गए हैं क्लाइम अभी भी अपने स्कूल स्टार्ट करने वाले आइडिया पर टिका हुआ था हालांकि यूस्टेशिया ने क्लाइम को पहले दिन ही बता दिया था कि उसे टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी क्लाइम को लगता था कि एक बार मैरिज हो जाएगी तो यूस्टेशिया उसकी बात मान लेगी वहीं यूस्टेशिया भी सेम यही सोच रही थी कि भले क्लाइम ने उसे मना कर दिया था पेरिस वापस जाने से लेकिन एक बार मैरिज हो जाएगी तो क्लाइम उसकी बात मान लेगा क्लाइम एंड यूस्टेशिया एक दूसरे को पसंद तो करते थे लेकिन दोनों के लाइफ को लेकर एम्बिशंस पूरी तरह से अलग अलग थे मिसेज जोब्राइट को कुछ दिन बाद थॉमसिन इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए थैंकिंग नोट भेजती है लेकिन क्लाइम का कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता तो वो डिसाइड करती हैं क्लाइम के घर जाकर पता लगाने का कि क्या क्रिश्चियन ने गिनीज वाला बैग उसे दिया या नहीं मिसिज़ यूब्राइट क्लाइम के घर जाती हैं मगर वहाँ उन्हें यूस्टेशिया ही मिलती है मिसेज़ यूब्राइट यूस्टेशिया से पूछती हैं कि क्या उसे किसी लड़के से कुछ अमाउंट रिसीव हुई है मिसेज यूब्राइट की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि यूस्टेशिया उनसे लड़ने लगती है कि उनकी अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में कितनी चीप थिंकिंग है कि वो दूसरे लड़कों से मनी रिसीव करती फिरती है मिसिज़ यूब्राइट यूस्टेशिया की जली घटी बातें सुनकर चुपचाप अपने घर वापस आ जाती हैं यूस्टेशिया क्लाइम को बताती है कि कैसे उसकी मदर ने उसकी इंसल्ट की है यूस्टेशिया क्लाइम को एक्डन हीट से निकलकर पेरिस जाने को कहती है लेकिन क्लाइम मना कर देता है एक तो ये सास बहू के झगड़े दूसरा ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से क्लाइम की आईसाइट वीक हो रही थी इस वजह से क्लाइम घर चलाने के लिए फर्स्ट कटर की जॉब करने लगता है यूस्टेशिया के लिए यह सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग था क्योंकि उसके एम्बिशंस पूरे होने का कोई चांस नहीं बचा था

यूस्टेशिया अग्रीड इन दोनों को साथ में डांस करते डिगोरी देख लेता है और वो ये सब जाकर मिसेज योब्रेट को बता देता है कि देख लो आंटी जी आपकी बहू और जवाई अपना अपना घर उजाड़ने पर तुले हैं इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेटे और बहू से बात करो और ये मामला ख़त्म करो ये डिगोरी ना हर जगह बाय चांस पहुंचता है और या फिर जहां कुछ होना होता है वहां पर ये पहले से ही बाय चांस प्रेजेंट होता है डांस के बाद वाइल्ड यूस्टेशिया से सीक्रेटली मिलने का प्लान बनाता है पर डिगोरी उसके प्लान को हर बार फेल कर देता है इससे तंग आकर वाइल्ड डिसाइड करता है डायरेक्ट यूस्टेशिया के घर जाकर उससे मिलने का इतफाक से उसी दिन मिसेज जो भी यूस्टेशिया और क्लाइम से मिलने उनके घर आ रही थी मगर वाइल्ड लाइफ मिसेिस योब्राइट से पहले क्लाइम के घर पहुंच जाता है यूस्टेशिया वाइल्ड को देखकर चौंक जाती है उस टाइम क्लाइम अपने रूम में सो रहा था यूस्टेशिया वाइल्ड को दूसरे रूम में ले जाती है तभी रूम की विंडो से उसे मिसिज योब्राइट घर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं तो वो वाइल्ड को घर से निकलने का कहती हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ को बैकडोर का पता नहीं था तो वो वापस आ जाता है फिर यूस्टेशिया उसके साथ जाती है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मिसिज योब्राइट डोर नॉक कर रही थी लेकिन यूस्टेशिया डोर ओपन नहीं करती और ना ही कोई जवाब दे पाती है जब तक वो वाइल्ड को घर से निकाल कर वापस आती है तब तक मिसिज़ ज्योब्राइट गेट पर से वापस चली जाती हैं मिसेज़ ज्योब्राइट को लगता है कि शायद क्लाइम अब उनसे इतना नाराज़ हो चुका है कि वो उनसे मिलना भी नहीं चाहता इस बात का उन्हें बहुत सदमा लगता है वो रास्ते में एक लड़के जॉनी को अपने साथ घर में रहने को कहती हैं एज ए शी वॉज वेरी मच टायर्ड एंड टोल्ड हिम दैट शी वॉज अ टोटली ब्रोकन लेडी हैविंग बीन डिस्कारड बाई हर सन इन हर ओल्ड एज जॉनी कोई जवाब नहीं देता जॉनी क्लाइम का नेबर ही है मिसिज जोब्रेड कुछ देर चलकर एक जगह बैठ जाती हैं यश शी वॉज बिटन बाय अ सरपेंट एंड वॉज लाइंग देयर इन अ पेनफुल कंडीशन फाइनली इतना सब होने के बाद क्लाइम की नींद खुलती है और वो यूस्टेशिया को बताता है कि उसने अपनी मदर के बारे में एक बहुत ही बुरा सपना देखा और अब वो अभी उनसे मिलने के लिए जाएगा करीब तीन मील चलने के बाद रास्ते में उसे किसी वुमन के रोने की आवाज सुनाई देती है वो क्यूरियोसिटी में उस डायरेक्शन में जाता है तो देखता है दैट देर वॉज हिज ऑन मदर इन अ मिजरेबल कंडीशन एंड परफेक्टली अनकॉन्शियस क्लाइम हेल्प के लिए विलेजर्स को बुलाता है लेकिन मिसेज जोब्रैट की डेथ हो जाती है इसी दौरान यूस्टेशिया के ग्रैंडफादर कैप्टन वाय उसको मिलने आते हैं और उसको बताते हैं कि वाइल्ड अब बहुत रिच बन गया है ही हैड रिसीव्ड अ फॉर्च्यून ऑफ 11,000 थाउजेंड पाउंड लेफ्ट टू हिम बाय वन ऑफ हिज अंकल्स हु हैड बिन लिविंग इन कैनेडा यूस्टेशिया को यकीन नहीं आता क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वाइल्ड उसे जरूर बताता इस पर कैप्टन बाय कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है इसी के साथ बुक फोर खत्म होती है फिफ्थ बुक के स्टार्टिंग में हमें पता लगता है दैट क्लाइम हैड बिन सीरियसली इल आफ्टर हिज मदर्स डेथ एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बींग द कॉज ऑफ हिज मदर्स डेथ इसके ठीक वन मंथ के बाद क्रिश्चन कैंडल क्लाइम को इन्फॉर्म करने आता है दैट थॉमस हैड गिवन बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड वहीं क्लाइम क्रिश्चन से उसकी मदर की डेथ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है मगर उसे क्लियरली कुछ समझ नहीं आता क्रिश्चन इस पर क्लाइम को सजेस्ट करता है कि वो डिगोरी से बात करे क्लाइम डिगोरी से मिलता है तो डिगोरी उसे बताता है कि उसी ने ही मिसेस जोब्राइट यानी कि उसकी मदर को सजेस्ट किया था कि वो उसके घर जाए और घर जाकर बात करे मगर उसी दिन उनकी डेथ हो गई मगर क्लाइम को तो पता ही नहीं था कि उसकी मदर डेथ से पहले उसे मिलने उसके घर आई थी इसके बाद वो अपने नेबर जॉनी से मिलता है तो जॉनी उसे बताता है कि उसने उस दिन क्लाइम को घर आते हुए देखा था लेकिन क्लाइम के घर आने के बाद कुछ ही देर में ही सो अनदर मैन फॉर होम यूस्टेशिया हैड ओपन द डोर एंड ही आल्सो गॉट इन इसके जस्ट बाद उसने क्लाइम की मदर को उसके घर का डोर नॉक करते हुए देखा था मगर किसी ने डोर ओपन नहीं किया काफ़ी देर तक वो घर के बाहर खड़ी रहीं रिप्लाई का वेट करती रहीं लेकिन कोई जवाब नहीं आया फाइंडिंग नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द हाउस His mother returned very weak and tired and asked him to accompany her for some distance. Klein was greatly puzzled regarding the identity of the other person who had entered the house after him when he had gone to sleep. जब क्लाइम घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था वो यूस्टेशिया से पूछता है कि उसने डोर ओपन क्यों नहीं किया जब उसकी मदर उसे मिलने आई थी और वो आदमी कौन था जो क्लाइम के सोने के बाद यूस्टेशिया को मिलने आया था क्लाइम ऑल्सो सेट दैट द अदर मैन कुड नॉट हैव बीन एनिमल एल्स बट वाइल्डिव एंड दैट शी वॉज स्टिल हैविंग अटैचमेंट विद हिम एंड नॉट बींग फेथफुल टू हर हस्बैंड यूस्टेशिया को इतना सब सुनने की आदत नहीं थी तो वो उसी टाइम अपने ग्रैंड के घर चली जाती है यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाइम ने वाइल्डीव का घर आना तो एकदम सही गैस किया था लेकिन यूस्टेशिया ने क्लाइम के अलावा कभी किसी और को पसंद नहीं किया था तभी तो वाइल्डिव के अमेरिका जाने के प्रपोजल को उसने रिजेक्ट किया था और क्लाइम जिसने पहले ही बता दिया था कि वो पेरिस वापस नहीं जाएगा फिर भी यूस्टेशिया ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया लेकिन क्लाइम ने उसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन करके उसे बहुत तकलीफ दी थी यूस्टेशिया ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो क्लाइम के पास वापस नहीं जाएगी ऑन रीचिंग हर ग्रैंड फादर्स हाउस यूस्टेशियाज फर्स्ट थाट टू शूट हर सेल्फ विद हर ग्रैंड फादर्स पिस्टल लेकिन चार्ली वहाँ आ जाता है और यूस्टेशिया को सुसाइड करने से रोक लेता है यूस्टेशिया इतना सब होने के बाद एग्रिन हिज से निकलना चाहती थी इसीलिए वो वाइल्डिव से मिलती है यूस्टेशिया वाइल्डिव को कहती है कि वो उसे बटमाउथ तक ले जाए इसके बाद वो अकेले ही पैरिस जाएगी वाइल्डिव डिव एग्रीड टू द प्रपोजल यूस्टेशिया ने पक्का इरादा कर लिया था पैरिस से निकलने का मगर क्लाइम उसके घर आने का अभी भी वेट कर रहा था आफ्टर सम डेज़ ही रॉट अ लेटर टू हर इन्वाइटिंग टू रिटर्न टू हैम ऑन सिक्स ऑफ द नवंबर द सिग्नल केम टू वाइल्ड लाइफ फ्राम यूस्टिया यूस्टेशिया ने अपने घर से कुछ डिस्टेंस पर बोन फायर को लिट किया था यही सिग्नल वो शादी से पहले वाइल्ड से मिलने के लिए यूज़ करती थी सिग्नल देखते ही वाइल्ड लाइफ लैंप एंड कैरियज लेकर निकल पड़ता है जस्ट एट द टाइम थॉमस इन क्लाइम के घर जाती है और उसे बताती है कि वाइल्ड आजकल अपने ड्रॉर से सारी अमाउंट निकाल कर खुद के पास ही रखता है साथ ही हॉर्स और कैरियज भी रेडी रखता है एंड इट सीम्ड दैट ही वॉज गोइंग आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी विदाउट इन्फॉर्मिंग हर क्लाइम वाइल्ड को ढूंढने निकलता है और सीधे जाता है यूस्टेशिया के घर की तरफ वहाँ पर एक बार फिर डिगोरी पहले से था क्लाइम डिगोरी से मिलता है तभी पास के रिवर में किसी के गिरने की आवाज़ आती है दोनों उस जगह पहुँचते हैं रिवर में जम्प करने वाली यूस्टेशिया थी इसका रीज़न ये था कि वाइल्ड ने यूस्टेशिया को एक बार फिर प्रपोज किया था और साथ में पेरिस जाने का कहा यूस्टेशिया क्लाइम के बाद किसी और से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी वो पेरिस जाकर अकेले रहना चाहती थी अकेले जाने की पॉसिबिलिटी ख़त्म होता देख वो रिवर में जंप कर लेती है बाली भी उसे बचाने के लिए रिवर में छलांग लगाता है डिगोरी इमीडिएटली रेस्ट टू द नियर बाय विलेज एंड कॉल्ड टू स्विमर्स फ्रॉम देअर but climb himself entered the stream from the other end but he was also swept by the current of the stream jaldi hi digori swimmers ko lay aata hai to rescue the bodies of the drowned persons and they brought out two bodies of wildive and climb वाइल्ड की डेथ हो चुकी थी बट क्लाइम वॉज स्टिल ब्रीदिंग सून द स्विमर्स एंटर्ड द स्ट्रीम अगेन टू सेव द थर्ड ग्राउंड बॉडी एंड दे सक्सीडेड इन गेटिंग द बॉडी ऑफ यूस्टेशिया हैड डाइड ओरिजिनली ये नॉवल यहीं खत्म हो जाता है बट पब्लिक को इतनी ज्यादा ट्रेजिक एंडिंग पसंद नहीं आई द विक्टोरियन पब्लिक मेड अंड क्राई दैट द नॉवल मस्ट एंड ऑन अ हैप्पी नोट एंड हार्डी वॉज कंपेल्ड टू एड वन मोर बुक टू गिव इट अ हैप्पी एंडिंग सो बुक सिक्स की स्टार्टिंग में हम जान पाते हैं कि थॉमसिन इस वक्त बहुत दुखी है बिकॉज हर हजबेंड हैड नॉट बिन फेथफुल टू हर वो अपनी सारी अटेंशन अपनी डॉटर को देती है वही दूसरी तरफ क्लाइम अपनी लाइफ की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीमेन की डेथ का कल्परेट खुद को मानता है इन सबसे वो इतना दुखी हो गया है कि उसके इस इंटरनल पेन की वजह से उसकी बॉडी पर घाव बन गए हैं थॉमसिन क्लाइम की हेल्प करने के लिए उसके पास रहने आती है क्लाइम कुछ टाइम बाद अपने ग्रीफ और इल्नेस से रिकवर होता है एक दिन डिगोरी क्लाइम से मिलने आता है वो क्लाइम को बताता है कि उसने फिर से डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया है थॉमसिन भी क्लाइम को कहती है दैट शी इज़ थिंकिंग ऑफ मैरिंग डिगोरी टू विच क्लाइम आफ्टर सम थॉट अग्रीड थॉमसिन डिगोरी से भी मिलती है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है इस पर डिगोरी कहता है दैट थॉमसिन हैड बिकम ग्रेटली रिच बिकॉज ऑफ वाइल्ड लिवस मनी तो थॉमसिन कहती है कि उसने वाइल्ड की सारी वेल्थ अपनी डॉटर के नाम कर दी है और सिर्फ गुजारे जितनी ही खुद के लिए रखी है डिगोरी ये सुनकर खुश होता है क्योंकि अब लोग उसे ये नहीं कहेंगे कि उसने थॉमसिन की वेल्थ की वजह से उसे शादी की है फाइनली थॉमसिन और डिगोरी की मैरिज हो जाती है अब जानते हैं हमारे नावल के हीरो का क्या हुआ क्लाइम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ कैसे जिए स्कूल टीचर बनने का एम्बिशन अभी भी मन में था लेकिन वो ये एम्बिशन युस्टेशिया के साथ जीना चाहता था इसीलिए वो डिसाइड करता है प्रीचर बनने का सो so, क्लाइम हैड नाउ बिकम अ मूविंग ओपन एयर प्रीचर द नावल एंड्स विद द फॉलोइंग रिमार्क्स बाय द नावलिस्ट सम बिलीव्ड हिम सम बिलीव्ड नॉट सम सेट दैट हिज वर्ड्स वर कॉमन प्लेस

नेक्स्ट है टाइटल नावल का टाइटल द रिटर्न ऑफ द नेटिव है जिसमें एक नेटिव क्लाइम ही है और पूरा नावल क्लाइम के एक्टन हीत में वापस आने के एक साल में होने वाले इंसिडेंट्स पर ही बेस्ड है अगर हम इस नावल को शॉर्ट में डिस्कस करते तो शायद कैरेक्टर्स को और उनके नेचर एम्बिशन सफरिंग्स को ठीक से समझ नहीं सकते थे यूस्टेशिया और क्लाइम की स्टोरी से ज़्यादा हमें डिगोरी और थॉमसन की स्टोरी इंपॉर्टेंट लगती सो आई होप आपको ये नॉवल इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम